Hello my dear students, my name is Manavendra Jeevan and this video is for class 8, chapter 1, video 3rd. Okay, ये class 8 का chapter 1 का video 3rd है. इसमें मैं network hardware के बारे में बात करूँगा, यानी कि commonly network hardware में जो जो devices use होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे. आपकी बुक्स अगर आपके पास हैं तो पेज नंबर 9 में नेटवर्क हार्डवेयर का टॉपिक है, उसमें से बेसिक 6 के बारे में बताया गया है. लेकिन जितनी बातें उस बुक्स में बताई गई हैं उससे जस्ट बहुत ज़्यादा बियॉन्ड में बात करने की कोशिश करूँगा. को बुक्स में बहुत ही छोटे में उसको डिस्क्राइब किया गया है. मैंने पहले भी कहा था कि मैं आपके इस चैप्टर को थोड़ा सा लेंथ थोड़ा सा लंबे में लेके चलूँगा ताकि बहुत अच्छे से समझ में आए. ओके, पहला है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC. सबसे बड़ी बात कि मैं जिस लेवल पर बात कर रहा हूँ उसमें लैपटॉप मोबाइल के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि लैपटॉप मोबाइल्स में इनबिल्ट मोडम या वाईफाई या हॉटस्पॉट के टेक्निक्स ऑलरेडी चिप्ड होते हैं. लेकिन मैं PC की बात कर रहा हूँ, डेस्कटॉप की बात कर रहा हूँ. तो डेस्कटॉप में मदरबोर्ड में यह कार्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगाना पड़ता है, जैसे हम RAM लगाते हैं, या LAN का कार्ड होता है, ग्राफिक कार्ड होता है, वीडियो अडेप्टर कार्ड होता है, उसी तरीके से एक कार्ड होता है. इस कार्ड का मेन मोटो ये होता है कि इस कार्ड के थ्रू आपके कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस या नेटवर्क एक्सेस करने की कैपेबिलिटी आ जाती है. एक्चुअली इसके अंदर इसके जब इस कार्ड को आप असेंबल करोगे मदरबोर्ड में लगाओगे तो इसके बाहरी रूप में आप वहाँ गौर से अगर अपनी बुक में देखो तो एक बड़ा सा पोर्ट दिख रहा है. बड़ा मतलब कि थोड़ा सा बड़ा, जैसे हमारे माउस का कीबोर्ड का USB पोर्ट होता है, तो इसमें नेटवर्क पोर्ट होता है, लेकिन एक बार में केवल एक. अब सपोज कि मुझे दो कंप्यूटर को लैन करना है, लोकल एरिया नेटवर्क में करना है, अभी तत्काल दो, क्योंकि जैसे धीरे धीरे हम बढ़ेंगे हम 6 टॉपिक्स में टोटल कवर करने की कोशिश करेंगे ना. तो इसके लिए ईथरनेट केबल आता है, ईथरनेट केबल. यस, जितनी लंबाई आप चाहते हो उतना लंबा मिलेगा. ये अगर ज़्यादा लंबा है, जैसे अगर सपोज कि प्रिंसिपल सर के रूम में जो कंप्यूटर है, अपने लैब में जो कंप्यूटर है, उसको केबलिंग करना है, उसको लैन बनाना है, तो कोई भी केबल 50 मीटर या 30 मीटर का नहीं आता. तो इसको हम अलग अलग कनेक्टर, आपका टॉपिक नंबर 6 अगले पेज में, पेज नंबर 9 कनेक्टर, कनेक्टर से हम कनेक्ट करके उसको लंबा बना सकते हैं. ओके, चलिए अभी तत्काल हम अपने लैब में PC1, जो जैसे कमरे में दाखिल होते हैं तो PC1 है, PC2 है, PC3, PC4 है, तो PC1 को PC2 से हम ऐड करना चाहते हैं. तो हमको दोनों कंप्यूटर में, यानी कि दोनों CPU में या लैन कार्ड, दो कार्ड खरीदने हैं, वो दोनों लगा दिया. तो अब अगर ईथरनेट केबल में दोनों पॉइंट, एक का फर्स्ट कंप्यूटर में हमको डाल देना है, लगा देना है, और दूसरा पॉइंट मतलब उस तार का जो दूसरा छोर है उसको दूसरे के कंप्यूटर के NFC कार्ड में हमको लगा देना है. तो इससे हमारा ये दोनों केबल, ये दोनों कंप्यूटर लैन बन जाएगा. राइट, ये यूज है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का. लेकिन NIC में केवल एक सॉकेट होता है, हम उसको सिर्फ एक से जोड़ सकते हैं. तो अगर हमको अपने लैब में चारों कंप्यूटर को अगर ऐड करना है, लैन बनाना है, तो अब हमको ज़रूरत पड़ेगी एक दूसरे डिवाइस की. क्योंकि जैसे सपोज इस चीज़ को समझो कि तुम्हारे रूम में एक ही 3 पिन या 5 पिन का सॉकेट है और तुम्हारे पास 3 चीज़ें, एक स्मार्टफोन तुम्हारा, एक स्मार्टफोन फोन तुम्हारे फादर का और एक लैपटॉप, तीनों को चार्ज करना है. तो चूंकि उसके पास तो एक ही पिन है, 5 पिन का पॉइंट है तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में, तो उसको हम कैसे करेंगे? तो इसका मतलब है कि हमको एक एक्सटेंशन बोर्ड लेना पड़ेगा. हम एक्सटेंशन बोर्ड के पावर प्लग को उस स्विच में लगा देंगे. अब उसमें 3 पिन आ रहे हैं या 5 पिन आ रहे हैं. अब 3 पिन को हम एक को लैपटॉप लगा देंगे, दोनों में दो दो मोबाइल, एक एक मोबाइल लगा देंगे, मेरा काम. यही चीज़ यानी कि एक्सटेंशन बोर्ड होता है हब.
अब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को हब से टैली करते हैं। नेटवर्क अब क्या करेंगे, हम अपने चारों कंप्यूटर में नेटवर्क लैन कार्ड लगा देंगे या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा देंगे चारों में। अब चारों में वो इथरनेट केबल लगाएंगे। अब आपके बुक में कहीं भी इथरनेट केबल का कोई जिक्र नहीं है। ओके चलिए कोई बात नहीं, जब तक मैं हूँ कोई दिक्कत नहीं हो लूँगा। चलिए तो हर लैन कार्ड में, हर एनआईसी कार्ड में हमने एक एक केबल लगा दिया। तो चारों के जो सेकेंड पार्ट है, मतलब सेकेंड दूसरा सिरा जो है वो खाली है हमारे पास। अब ये चारों पार्ट हम हब में इंसर्ट कर देंगे। अब समझ में आ गया। अब चारों मतलब कि अगर हम सेंटर में एक हब रख दें और चारों के दूसरे सिरों को हब में लगा दें, तो एक हब में 4, 6, 8, 10, 12 के पोर्ट्स आते हैं। आजकल यूएसबी हब पोर्ट, मतलब यूएसबी हब पोर्ट भी आने लगा है। लेकिन एक बात आपको मैं बहुत क्लियरली बता दूं, हब इज ए डमी डिवाइस। ये बहुत पुराना और बहुत ही बेकार का डिवाइस है। यस, इसका यूज अब कोई नहीं करता। आज के नेटवर्क इंटरफेस में हब यूज कोई नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्यों बेकार है, तो बुक्स में क्यों दिया हुआ। बुक्स में अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, 2003, 2007 ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं क्या, यही यूज करते हो? नहीं, आप 2010 यूज कर रहे हैं, विंडोज सर्वर यूज कर रहे हैं, लिनक्स यूज। तो डमी डिवाइस इसलिए है, सपोज अब हमारे चारों कंप्यूटर के दोनों सिरे, दूसरे सिरे हमारे मैंने हब में लगा दिया। ओके, हब को पावर दे दिया। तो अब हमारे चारों आपस में, याद रखो मैं लैन की बात कर रहा हूँ, इंटरनेट की बात नहीं कर रहा। पर्सनल नेटवर्क डेवलप करना एक अलग चीज़ है और उस पर इंटरनेट चलाना एक अलग चीज़ है। वो भी नेटवर्क है और ये भी नेटवर्क है, लेकिन तत्काल हम अभी असेंबल, अपना पर्सनल नेटवर्क असेंबल कर रहा हूँ। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड समझ में आ गया, हब समझ में आ गया। हब का क्या मतलब है कि एक कंप्यूटर से ज़्यादा कंप्यूटर को ज्वाइंट करने में मदद करेगा। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये डिवाइस अब काम में नहीं आता है। तो क्यों नहीं काम में आता है? वजह ये है कि सपोज कि मैं सिस्टम नंबर 1 पर भेजा हूँ, बैठा हूँ, और वहाँ से मैंने एक मैसेज डिलीवर किया। नेटवर्किंग में मैसेज को या किसी भी मेल को, वीडियो को, ऑडियो को पैकेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैकेट्स। इसीलिए हम इसी वर्ड का यूज करेंगे। हम नहीं मैसेज नहीं बोलेंगे, ईमेल नहीं बोलेंगे, फोटो और व्हाट्सएप नहीं बोलेंगे, फेसबुक का मैसेंजर नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? पैकेट। अगर आप अच्छे से सीख रहे हैं नेटवर्क को तो इसको समझिए। तो मैंने सिस्टम नंबर 1, जो सबसे पहला जो कंप्यूटर है, आप लोगों को सब ध्यान है, मेरे साथ आप कई हजार बार लैब में जा चुके हैं, सैकड़ों बार, तो मैंने एक पैकेट डिलीवर किया। हेलो, उस पैकेट में मान लो हेलो लिखा हो। तो ये हब क्या करता है, ये तीनों को पहुंचा देगा। मैं चाहता था कि सिस्टम नंबर 1 से ये पैकेट रिलीज करूं और चौथे नंबर सिस्टम को ये मैसेज डिलीवर हो। ये क्या करेगा, तीनों को भेज देगा। डमी हुआ कि नहीं? हम बात करना चाहते हैं अमन से, अभिनव से, हर्षदीप से, और कॉल लग जा रहा है प्रिंसिपल सर को, विशाल सर को, तो क्या ये स्मार्ट डिवाइस है? नहीं। लेकिन तत्काल हब, एकदम हब को आप एकदम कह सकते हैं ब्रॉडकास्ट डिवाइस। ब्रॉडकास्ट डिवाइस का मतलब, अब उसी एक्सटेंशन बोर्ड का हम एग्जांपल लेते हैं। जब तुम एक्सटेंशन बोर्ड अपने पावर बिजली वाले सॉकेट में लगाते हो और जब उसका ऑन करते हो, तो उसमें अगर चार पिन है, चार अलग अलग पोर्ट्स हैं, तो चारों में करंट आएगा कि किसी एक में आएगा? चारों में आएगा। हाँ, ऐसे एक्सटेंशन बोर्ड भी आते हैं जो हर पिन के साथ उसका एक अपना इंडिविजुअल स्विच होता है। इसी चीज को यूज करने के लिए हब नहीं यूज करते, स्विच यूज करते हैं, जो आपका फोर्थ टॉपिक है, स्विच। हब का क्या, हब डमी डिवाइस इसलिए कहा जाता है कि वह सबको ब्रॉडकास्ट करेगा। मैसेज या पैकेट्स कॉन्फिडेंशियल नहीं रख सकते। हम चाहते हैं कि सिस्टम नंबर 1 का मैसेज 3 को जाए, नहीं जाएगा, वो चारों को चले, तीनों को चला जाएगा। हम चाहते हैं कि सिस्टम नंबर 1 का मैसेज या पैकेट फोर्थ नंबर को जाए या सेकंड नंबर को जाए, नहीं, ये चारों को जाएगा। तो हब काम तो करता है, ज्वाइंट तो कर देता है, लाइन को असेंबल कर देता है, लेकिन स्मार्ट डिवाइस नहीं। अब आइए स्विच पर, तीसरा डिवाइस। अभी मैं ट्रांसमिशन केबल के बाद में बात करूंगा, बीच में आ जाएगा, सारी कहानी के बीच में आ जाएगा। तो स्विच में क्या, स्विच भी वही काम करता है। यानी कि एक तरह से हब जो है, स्विच जो है, हब का एक्सटेंडेड वर्जन है।
यह क्या करता है, स्विच के पास अपना एक खास टेबल होता है, वो एक टेबल बनाता जाता है। जैसे अगर मैंने चार कंप्यूटर जोड़े तो चारों को अपना अपना एड्रेस देता है। जैसे सपोज पहला सिस्टम, एक मिनट के लिए मानने के लिए मैं टेक्निकली अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो बाद में इसके बारे में बातचीत करेंगे। टेक्निकली अगर पहले सिस्टम को हम बोलेंगे 1, फिर दूसरे को 2, फिर 3, फिर 4, हम अपने लैब की बात कर रहे हैं, स्कूल के लैब के, चार कंप्यूटर हो गए। अब सिस्टम नंबर 1 अगर 3 को मैसेज भेज रहा है तो वह केवल 3 को जाएगा। इसीलिए स्मार्ट डिवाइस है, हर सिस्टम को यूनिक एड्रेस के साथ अपने मेमोरी में सेव रखता है, यानी कि स्विच का और हब का अपना एक एड्रेस प्लेट होता है, उसका अपना रैम और रोम होता है, स्मार्ट डिवाइस है ये, ठीक है। तो उसमें वो चीज़ स्टोर रखती है। तो स्विच और हब में डिफरेंस समझ में आ गया। हब एकदम आप उसको, हब और स्विच को एकदम आराम से डिस्क्राइब से कर सके। हब इज, आप डमी क्लास में या एग्जाम में मत लिख दिया, मैं समझाने के लिए बता दिया हूँ। हब इज ए डिवाइस टू ब्रॉडकास्ट एनी पैकेट, एनी मैसेज टू इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स। बट स्विच इज अ स्मार्ट डिवाइस, ईच इंडिविजुअल सिस्टम हैज एन यूनिक एड्रेस kept by switch, and whenever the packets will be delivered, that goes to that certain system. Clear? कोई दिक्कत? Very nice. अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, हम और उसको इजी वे में, लेकिन मेरे हिसाब से जितना मैंने इजी वे तोड़ के बता दिया, आपकी बुक को जाकर अपना थ्योरी पढ़ के देखिए क्या ऐसा कोई भी टॉपिक जो मैंने बताया उसमें है। नाउ अब इसी पेज नंबर 9 का जो सेकंड है, ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब कि वो केबल्स जो लाइन को, जैसे इथरनेट केबल हो गया, कॉक्सियल केबल हो गया, ऑप्टिकल फाइबर केबल हो गया। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम ट्विस्टेड केबल यूज करें। अब केबल्स का डिटेल आगे के पेजेस में है, हम उसके बारे में बताएंगे। ट्रांसमिशन मीडिया में तत्काल इस टॉपिक में इतना ही कि ट्रांसमिशन केबल जो मीडिया है वो वायर्स होते हैं, चूँकि लैन फिजिकल होता है। मैंने आपको जब लैन मैन वैन की बात की थी तो लैन जो है फिजिकल होता है, बाकी के इस लैन हैन कैन ये सब फिजिकल होता है, यानी कि हम तार से ही जुड़ेंगे। तो वो जो तार हम यूज करेंगे, यह डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, मीडिया के अकॉर्डिंग, या जो नेटवर्क में डिवाइसेस लगने जा रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, और जो कंज्यूमर या जो पार्टी नेटवर्क डेवलप कर रही है अपने यहाँ, वह किस तरह का अपना नेटवर्क स्ट्रक्चर रेडी, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना चाहती, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वह किस तरह के केबल्स यूज करेगी। जैसे अगर आप अपने घर में बिजली का वायरिंग करवाते हैं तो 4 mm भी ठीक है, कुछ लोग 6 mm लगवा लेते हैं, कुछ लोग ज़्यादा सिक्योरिटी चाहते हैं। लेकिन क्या है? अगर आप आटा चक्की की मशीन लगाने जा रहे हो, किसी अपने अपना असम्बल करना चाहते हो बिजनेस पर्पज से, तो क्या इसमें 6 mm का वायर काम करेगा? नहीं, वहाँ दूसरा वायर चाहिए। छोटे मोटे 4-5 रूम का फ्लैट है तो 6 mm का तार बहुत अच्छा है, लेकिन एक पूरा कॉम्प्लेक्स है, एक फ्लैट है 5 मंजिल का और हर फ्लैट में 3-3 सब फ्लैट्स, तो 18 फ्लैट्स हैं, सब में पावर चाहिए, तो 6 mm का तार से काम चलेगा? नहीं। तो उसी तरीके से नेटवर्क में किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आप रेडी कर रहे हैं या क्या करना चाहिए, उसके हिसाब से आप केबल्स का चुनाव करें। तो आई थिंक NIC ट्रांसमिशन मीडिया, हब एंड स्विच, याद रखिएगा हब और स्विच एक ही काम करता है, वह सिस्टम को इंटरकनेक्ट या जोड़ने में, लैन बनाने में मदद करता है। बस थोड़ा सा हब चूँकि इसे ब्रॉडकास्ट करता है, वो बिना सोचे समझे सबको मैसेज पहुँचा देगा। स्विच जिसको भेजा है उसी के साथ, यानी कि हम चार बच्चे बैठे हुए हैं और आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं, तो आप चाहेंगे कि बाकी दोनों बच्चों को सवाल पता चले कि सर से मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ? नहीं चाहेंगे। दैट्स इट। तो स्विच थोड़ा सा एडवांस है और आजकल अब स्विच ही यूज किया जाता है। एक और आपकी जानकारी के बताता हूँ, स्विच में 4 पोर्ट से लेके I think 20,000 पोर्ट्स और उससे भी ज़्यादा पोर्ट्स के मशीन्स आते हैं। यस, बहुत बड़े बड़े अलमीरा के बड़े बड़े स्विचेस आते हैं, छोटे मोटे नहीं। हम छोटे मोटे नेटवर्क में 12-15-16 पोर्ट वाले में हम काम कर लेते हैं। दैट्स इट। तो ये चार पार्ट समझ में आ गया।
नाउ अब मेरा पार्ट है राउटर। राउटर के बाद 6 नंबर पॉइंट कनेक्टर। कनेक्टर मैंने भी बात की थी। कनेक्टर मतलब कि जब दो केबल, जब तार डिस्टेंस लंबा हो और हमको कोई चीज़ जोड़नी पड़े तो हम मेल फीमेल स्विच का काम यूज करते हैं ना बिजली डिपार्टमेंट में। अगर हम एक तार को दूसरे तार से, या तो हम तार ही जोड़ देते हैं, एक टेप लगा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, या हम मेल, एक मेल आता है एक फीमेल आता है, उसमें ऐड कर देते तार मेरा लंबा हो जाता है। तो उसी तरह कनेक्टर मतलब क्या है कि हम स्विच दो तार को, जैसे अगर अपने लैब से अगर फिजिकल के रूम में अगर हमको कनेक्टिविटी करनी है तो तार उतना लंबा रहे, तो हम कनेक्टर का यूज करें। कनेक्टर बहुत मजबूत होता है और वह तो नेटवर्क के केबल्स में हम नॉर्मल बिजली का यूज नहीं कर सकते, वो उसका कनेक्टर अलग आता ही है। आप इसको कनेक्टर का अगर मार्केट में बोलेंगे तो आपको कनेक्टर मिल जाएगा जो कनेक्ट करेगा। या कई बार ऐसा होता है कि एक पॉइंट से हमको चार अलग अलग और जगह तार फैलाना है एकदम एक्सटेंशन बोर्ड की तरह, तो वो भी कनेक्टर्स आते हैं। तो ये हुआ कनेक्टर्स, यानी कि टू एक्सटेंड योर केबल्स, दैट इज करेक्ट। ओके, जबकि आपके बुक में जय हिंद है, खैर राउटर। राउटर क्या करता है? राउट माने रूट, रूट माने रास्ता, किस रास्ता, यानी कि सपोज अब हम इसको बात समझिए। जब मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे रहा था TR1 TR2 TR3 और इंटरनेट कैसे काम करता, तो राउटर मेनली हम आपको यहाँ दो चीज़ समझाएंगे। एक, सपोज कि आपने अपने लैब के कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट कर दिया तो लैन तो बन गए, अब उस लैन में मुझे इंटरनेट चलाना है, तो वहाँ इंटरनेट कैसे चलेगा? अब हमने क्या किया कि एयरटेल या जियो का फाइबर ले लिया या ब्रॉडबैंड ले लिया, तो ब्रॉडबैंड आएगा बाहर से या उसकी कनेक्टिविटी आएगी वाया टावर्स ऑफ एयरटेल एंड जियो, तो वह एक मॉडम आपको देगा या राउटर देगा देगा, ठीक है, उससे उसका सिग्नल कैच करेगा और उस राउटर को स्विच से हम ऐड करेंगे या हब से ऐड करेंगे और वह सिस्टम से ऐड हो जाएगा। चूँकि सारे सिस्टम ऐड किस से हैं? स्विच से। स्विच को किस से ऐड करना होगा? राउटर से। तो हम अब चारों सिस्टम इंटरकनेक्टेड भी हैं, लैंड भी है अब, और हम इंटरनेट यूज करने के बाद अब हम बाहर के वैन से भी कनेक्टेड हो। तो ये पहला छोटे स्तर पर राउटर का काम। राउटर वो डिवाइस है जो कि आपको बाहरी दुनिया से इंटरनेट कनेक्टिविटी पीसीज में या लैपटॉप्स में या आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के काम करता है, राइट, दैट इज योर राउटर। अब दूसरा राउटर, राउटर का सेकंड यूज, सपोज आपने गूगल से एक चीज सर्च किया, कोरोना वायरस लेटेस्ट अपडेट ऑफ US। अब जब आप ये चीज टाइप करके एंटर मार रहे हैं तो यह फाइल या यह पैकेट किस सर्वर में? इंडिया में है, न्यूजीलैंड में है, श्रीलंका में है, बांग्लादेश में है, अमेरिका में है। आपने कहा कि सर आपने USA टाइप किया है तो यह अमेरिका में होगा, कोई जरूरी नहीं है। कौन सा पैकेट कहाँ पर रखा हुआ है ये इस बात पर नहीं है कि हाँ हाँ वो आप और हम थोड़ी रखते हैं। तो यह पैकेट का जैसे आप डिमांड अपने सिस्टम से कर रहे हैं तो थोड़े आसानी से मैं कोशिश करता हूं समझाने के लिए। तो यह क्या किया, सबसे पहले इमीडिएट अपने स्विच के पास गया, क्योंकि वहां से अब उसको ब्रॉडकास्ट करना, चीज को खोजना, अब वो वहां गए, वहां से अपने उस राउटर के पास गया जो कि उसको अब बाहर की दुनिया के इंटरनेट के पास लेके जाएगा, वो वहां गया, वहां से उसको URL मिलेगा। अब URL अब से सबसे नज़दीकी, जैसे सपोज कि मान लीजिए हम लोग भी चंपारण में हैं, मुजफ्फरपुर गया, मुजफ्फरपुर से पटना गया, वो ये सब सेकंड के हजारवें हिस्से में हो रहा है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। कोई भी आदमी जब दिल्ली से चकिया ट्रेन से आएगा तो डायरेक्ट चकिया तो नहीं पहुँचेगा, बीच में स्टॉप करके क्या आएगा, डायरेक्ट कोई नहीं आता। USA से कोई फ्लाइट डायरेक्ट यहाँ जाती है क्या? नहीं आती ना, वो बीच में हॉल्ट करके आएगा। उसी तरीके से ये पैकेट वहाँ गया, फिर दिल्ली गया, बॉम्बे गया, जब तक उसको उस पैकेट का सही एड्रेस नहीं मिलेगा वो मूव करता रहेगा आगे। अब वो चला गया कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में उस सब्जेक्ट का उसको पैकेट मिल गया, अब मिल गया तो वह खास करते करते एक राउटर के पास पहुंचा था।
मतलब अपने डिमांड वाले सर्वर पर पहुंचा, वहां से उसने वो पैकेट रिसीव किया। अब इस बात की कोई सर्टेनिटी नहीं है कि वह उसी रास्ते से वापस आएगा, नहीं, यह इस रूट पर डिपेंड करेगा कि कौन सबसे शॉर्टेस्ट रूट उसको मिले अपने उस पीसी तक पहुंचने के लिए। क्योंकि यूजर बैठा हुआ है और उसको सेकंड के हजारवें हिस्से में उसको आंसर मिल जाना चाहिए। आप गूगल में एंटर मारने के बाद विद इन सेकंड के बहुत सारे कम हिस्से में आपको आंसर मिल जाता है ना। तो अब वह कैलिफोर्निया से श्रीलंका होते हुए आएगा कि नेपाल होके आएगा, ये अलग अलग सर्वर छोटे छोटे सर्वर से होते हुए आपके पास आएगा। दैट इज राउटर, द पाथ विच योर सिस्टम और योर नेटवर्क चूज टू अचीव द गोल एंड अगेन द रिटर्निंग पाथ टू योर सिस्टम इज राउटर। और इस समय मदद कौन किया? वही आपका राउटर जिसकी वजह से आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं। वह राउटर आपके सिस्टम का एक URL, एक IP एड्रेस, हर सिस्टम का एक अपना IP एड्रेस होता है, हर सिस्टम का अपना एक IP एड्रेस होता है। उस IP एड्रेस को पकड़ के वह उस चीज़ को, पैकेट को ढूंढेगा और वह ढूंढने के बाद आपको उस चीज़ तक, आप तक वह चीज़ ढूंढेगा और आप तक आपको पहुंचाएगा। दैट इज राउट, एनी प्रॉब्लम? नाउ नेटवर्क सॉफ्टवेयर, छोटा सा नेटवर्क सॉफ्टवेयर। दो विंडोज 98 बहुत पुराना हो गया, जब मैं 1999-2000 में जब मैं कंप्यूटर यूज करता था तो उस समय 98 मेरे सिस्टम में हुआ करता था। तो 98 के बाद से जितने भी सिस्टम्स हैं वो सब इनबिल्ट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को कवर करते हैं, यानी कि आपको इंटरनेट चलाने के लिए किसी खास ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके रीजन में आपके बुक्स में भी दिया, विंडोज NT नेटवर्क, विंडोज XP, विंडोज 2010, 2014, 2016, व्हाटएवर, विंडोज सर्वर, ये सब जो है NOS है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, प्रोटोकॉल, व्हाट इज प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल इज अ स्टैंडर्ड रूल एंड रेगुलेशंस फॉर द सिस्टम हु अचीव द गोल और रिलीज हिज देयर पैकेट्स टू द सर्वर। किस IP एड्रेस से, किस रूल से, किस VPN का यूज करके कौन सा पैकेट कहाँ जाएगा, नहीं आएगा, ये रूल हम नहीं जानते। यह सिस्टम के NOS में होता है, उसी अकॉर्डिंग वह काम करता है। इसीलिए TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट यूज करने का अपना रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसका एक अपना प्रोटोकॉल है। उसी तरीके से TCP/IP, तो ये TCP/IP एक साथ यूज किया जाता है। तो किस हिसाब से आप ट्रांसमिशन करेंगे अपने डेटा का, किस हिसाब से आपको डेटा पहुंचेगा आप तक, यह एक रूल्स एंड रेगुलेशन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो नेटवर्क के लोग डिसाइड करते हैं। सॉफ्टवेयर में इसको प्रोग्रामिंग के रूप में लिख करके इंस्ट्रक्ट किया हुआ है, उसी के अगेंस्ट में ये चीज यूज कर। ये थोड़ा वीडियो 25 मिनट का हो गया, लंबा हो गया, जरूरी था। तो आई थिंक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा आसान लैंग्वेज में। मैंने जितनी बात की आपके बुक में 20% भी कवर नहीं है। सो हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर स्टडी एट होम, डोंट गो आउटसाइड, स्टे होम, स्टे हेल्दी। जय हिंद।